अगर कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का एरर अगर दिखे जिसमें ये लिखा हो कि सिस्टम बैटरी वोल्टेज इज लो, देखिए लिखा हुआ है स्ट्राइक द F1 की टू कंटिन्यू, F2 टू रन द सेटअप यूटिलिटी एंड प्रेस 5 टू रन ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक। तो सबसे पहले हम यहाँ F1 अपने कीबोर्ड से F1 जो है प्रेस करेंगे, जिससे हमारा PC जो है बूट होगा, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे लॉगिन होगी। और ये एरर जो है हमेशा ना आए, इसको फिक्स कैसे करते हैं, फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप का इस केस को बाहर निकालेंगे, और निकालने के बाद देखिए ये है CMOS बैटरी, इसी को हमको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये बैटरी जो है डिस्चार्ज हो चुकी है, इसकी जगह पे हम नई बैटरी इंस्टॉल करेंगे। नई बैटरी इंस्टॉल करने से पहले इसको हम सेफली अपने CMOS जो इसका स्लॉट है इसे निकाल लेंगे और इसकी जगह पे नई बैटरी हम इंस्टॉल करेंगे। ये बैटरी जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी कंप्यूटर की दुकान से इसको खरीद सकते हैं, जैसे इसका नाम है CR2032। तो इस तरह की बैटरी आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और फिर इसको CMOS बैटरी की जगह फिर से हम इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, फिर हमको जो स्टार्टिंग में जो एरर दिख रहा था वो एरर नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।